स्तोत्र आदि का व्याख्यान जिन आगम में उपलब्ध है। प्राचीनतम स्तोत्रों में उपसग्रहम स्तोत्र का नाम आता है, स्वयंभु स्तोत्र का नाम आता है और कुंदकुन स्वामी द्वारा कृत 10 भक्तियों का नाम आता है। पूज्यपाद स्वामी द्वारा कृत संस्कृत की 10 भक्तियों का भी नाम आता है। भक्तांबर स्तोत्र है, कौन सा? भक्तामर, ना कि भक्तांबर। पूर्व समय में क्या होता था, जो स्तोत्र लिखे जाते थे उनके नाम भिन्न होते थे और प्रसिद्धि भिन्न होती थी। जैसे भक्तामर स्तोत्र है, वो आदिनाथ स्तोत्र है, वो कौन सा? आदिनाथ स्तोत्र। लेकिन उस स्तोत्र का पहला शब्द क्या है? भक्तामर, तो भक्तामर स्तोत्र। स्वयंभू स्तोत्र, स्वयं भुवा भूत हिते न भूतले, है वो चतुर्विंशति स्तोत्र, लेकिन पहला शब्द क्या है उसका? तो स्वयंभू स्तोत्र। कल्याण मंदिर स्तोत्र है, वो पार्श्वनाथ स्तोत्र। ऐसे ही ये जो स्तोत्र है, ये जिनेन्द्र भगवान की भक्ति का जिन स्तोत्र है, लेकिन नाम क्या है? एक ही भाव स्तोत्र। ग्रंथ है सभी के पास, नहीं हो तो यहां से ले सकते। एक ही भाव स्तोत्र, भक्ति में शक्ति होती है, सब होता है। मानतुंग स्वामी ने पढ़ा तो 48 ताले टूट गए, आप पढ़ रहे हो धागा भी नहीं टूट रहा। श्रद्धा में कमी है। किसी से आप कहो, कोई बोले महाराज जी कष्ट है, बोले नमोकार की माला फेरो, अरे महाराज जी वो तो फेरते हैं, कोई और बताइए। क्यों आर्यन? कोई किसी को बुखार हो, जैसे माइक को पोलियो है अपने यहाँ, जैसे किसी को बुखार हो उससे कहो भैया नमोकार की माला फेर लो, महाराज जी तो डेली फेरते हैं, कोई आप और असरदार बताओ। महामंत्र से असरदार क्या है? तुम्हारी श्रद्धा तो हो, श्रद्धा है तो पानी गंधों तक लगता है, श्रद्धा नहीं है तो पानी पानी है, श्रद्धा है तो पाषाण में परमात्मा है, श्रद्धा नहीं है तो परमात्मा भी पाषाण के ही लगते हैं। ये जो स्तोत्र है, एक ही भाव स्तोत्र, वादीप सिंह सूरी द्वारा रचित है। इनका नाम था वादीप, यानी शास्त्रार्थ करने में सिंह के समान थे। कथा बड़ी प्रसिद्ध है, पहले अपन स्तोत्र की कथा सुन ले फिर स्तोत्र पढ़ेंगे। आचार्य भगवान वादीव सिंह सूरी जंगलों में गुफाओं में तपस्या कर रहे थे, उसी बीच एक प्रसंग आया कि उनको कुष्ठ हो गया, पूरे शरीर में कोढ़ हो गया। वो अपनी साधना में लीन थे, रोग परिचय को सहन कर रहे थे। उन्होंने किसी से नहीं कहा कि उपचार कराओ भैया, कठिन है। अपने उपचार की भावना नहीं रखना, ये रोग परिचय को सहन करना है, निर्जरा का कारण है, संवर का कारण है। उसने इस समय एक मंत्री ने कहा, चार मंत्री, कुछ मंत्री थे राजा के, मंत्री ने कहा कि जो जैन मुनि होते हैं ये सब दरिद्री होते हैं, कोढ़ होता है इनको। दूसरे मंत्री ने कहा नहीं, हमारे जैन मुनि सर्वांग सुंदर होते हैं। राजा कहता है तो आप एकाध किसी जैन मुनि को ले आओ। बोले 7 दिन का समय दीजिए, क्योंकि जैन मुनि ऐसे मिलते नहीं है, सामान्य ढूंढना पड़ता है, कहाँ कहाँ रहते हैं कोई पता नहीं। ढूंढते ढूंढते किसी ने बताया कि जंगलों में है। वादीव सिंह सूरी के पास पहुंचे, उनके सर्वांग में कोढ़। अब वो सोचता है कि जैन धर्म की तो हंसी, और राजा जैन था नहीं, उसकी और श्रद्धा हो जाएगी अन्य दर्शन पे। उसने अपनी पीड़ा मुनिराज को बताई। वादीव सिंह सूरी क्या कहते हैं, आप 7 दिन बाद आना, आप 7 दिन बाद आना। बोले महाराज हाँ, बोले आप 7 दिन बाद सबको लेके आना।
उन्होंने एक ही भाव स्तोत्र की रचना की, उसका पाठ किया। जैसे जैसे पाठ करते गए वैसे वैसे शरीर का कोढ़ हटता गया और सोने के समान चमकता सा शरीर होता गया। क्रम क्रम से दिन बढ़ते गए। सातवां दिन आया, मंत्री ने दिगंबर मुनि कहे अनुसार गुरु बुद्धि विशेषता, गुरु बुद्धि। सातवें दिन राजा पहुंचा, सभी मंत्री पहुंचे, जो मिथ्या दृष्टि था वो देखता है, अरे इनको तो हमने कोढ़ में देखा था, ये ठीक हो गए। और जो सम्यक दृष्टि था वो खुश हो गया कि चलो जिन शासन की रक्षा हुई। राजा ने देखा, मुनराज को नमस्कार किया और कहता है इस मंत्री को जो इन साधुओं की निंदा कर रहा था इसको फांसी दे दी जाए। वादीव सिंह सूरी क्या कहते हैं, रुक जाओ भैया, अभी कुछ नहीं करना, रुक जाओ। बोले क्यों मुनिराज? बोले राजन क्षमा धर्म है। बोले राजन, राजा कहता है महाराज इसने निंदा करी है। बोले कुछ नहीं। बोले इसने क्या कहा था? इसने कहा था कि जैन मुनि को कुष्ठ होता है। बोले इसने गलत नहीं कहा था, कोढ़ होता है, देखो मेरी उंगली में अभी भी कोढ़ है। उन्होंने उंगली का कोढ़ ठीक होने नहीं दिया। फिर उन्होंने पढ़ा, भक्ति प्रभु महेंद्र पूजित पदा तत्कीर्ति ने ना क्षमा, सूक्ष्म ज्ञान दृशोपि संयम व्रता के हंत मंदावयन अस्मा भी स्तवनम चले न तो परस तो या दरस तन्न थे स्वात्माधीन सुखेशिना सकलुना कल्याण कल्पद्रुमा। और श्लोक पढ़ के हाथ फेरा, अंगुली का कुष्ठ भी चला गया। फिर आचार्य भगवान क्या कहते हैं, राजन मंत्री गलत नहीं कह रहा था, कोण ही था, लेकिन एक कर्मवशात होता है। तब से उस समय जिन शासन की बहुत प्रभावना हुई और जिनको भी शरीर में चर्म संबंधी रोग होते थे वो, और कर्म निर्जरा की भाव जिनके थे, वो एक ही भाव स्तोत्र का पाठ करते थे। ये एक ही भाव स्तोत्र पूरे भारत में प्रसिद्ध है। कभी आप लोगों ने पढ़ा है, सुना है? आज से इसका अध्ययन अपन प्रारंभ करेंगे। इसमें केवल 26 श्लोक है और ये जो श्लोक है ये मंदाक्रांता छंद कहलाता है। जिसको अपनी वाणी में गंभीरता लाना हो, आशीष भैया, उसको मंदाक्रांता छंद पढ़ना चाहिए। जिसको अपनी वाणी में मधुरता लाना हो उसको मालिनी छंद पढ़ना चाहिए। ये जो छंद है ये आपकी आवाज को, जिसको बोलते हैं आप लोग उर्दू में रियाज, अभ्यास, रियाज करो, अभ्यास करो, उससे क्या होगा, गंभीर आवाज आपकी सीखेगी। ऐसी जिनको आवाज मधुर करना हो वो मालिनी छंद का स्तोत्र पढ़े। बहुत सारे छंद मालिनी छंद में भी उपलब्ध है, एक ही भाव स्त्रोत्र में भी कई ग्रंथ उपलब्ध है। निरसुर खचर से व्या विश्वशेष्ठ रिभूषा विविध गुण समुद्रा मार मातंग सिंहा भव जल निधि पोता वंदिता में दिशंतो मुनिगण सकला श्री सिद्धिदा सद्र सिंद्रा। ये मालिनी छंद है, ये मालिनी छंद कहलाता है। इसको पढ़ने से कंठ में मधुरता आती है। यहां पर अपन एक ही भाव स्त्रोत्र पढ़ रहे हैं, ये मंदाक्रांता छंद है, इससे गंभीरता आती है। नहीं, जिस छंद में लिखा है आपको छंद भंग करके नहीं पढ़ना चाहिए। जो वसंत तिल का छंद है वो आपको अंदर ऊर्जा भरता है। तो भक्तामर स्तोत्र जो है वो वसंत तिल का छंद है। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाना
मुद्योत कमदलित पाप तमो वितानम सम्यग प्रणम्य जन पाद युगम युगाधा वालंबनम भव जले पतिताम जनानाम। ये वसंत ली का छंद है, और भी प्रकार से आप पढ़ सकते हो लेकिन छंद ही होता है। इस छंद में जहां आपको अल्प विराम करना है उसको कहते हैं यति। तो ये जो मंदा क्रांता छंद है, पहले चार वर्णों के बाद आपको रुकना चाहिए, एक लाइन में तीन बार रुकना चाहिए। छंद पढ़ने का तरीका, एक लाइन में कितनी बार? तीन बार। पहला चार अक्षरों पर, फिर उसके बाद छह अक्षरों पर, फिर शेष अंतिम छह अक्षरों पर। देखिए कैसे, एक ही भावम गत इव मया या स्वयं कर्म दंडो। ये पहली पंक्ति है, पहले अपन उच्चारण कर लेते हैं फिर अपन पूरे श्लोक का उच्चारण करेंगे। एक ही भावम गत इव मया यह स्वयं कर्म बंधो घोरम दुखम भव भव गतो भव भव गतो दुर्निवारः करोति तस्याप्यस्य। जब कभी आप श्लोक पढ़े तो जो कहीं उच्चारण ना बन रहा हो, आधे अक्षर को पूरे अक्षर के साथ लें, जैसे सा आधा है पा आधा है। तस्याप्यस्य है ना, तो आधे अक्षर को पीछे वाले को आप आगे लेंगे तो उच्चारण आपका अच्छा बनेगा। तस्याप्यस्य त्वयि जिन रवे भक्तिरुन मुक्त ये चेत जेतुम शक्यो भवति न तया को परस्ताप हेतु उच्चारण हो गया। अब एक एक लाइन करके पढ़ेंगे, फिर आप लोग एक साथ पढ़ के बताइएगा। एक ही भावम गतिव मया या स्वयं कर्म बंधो घोरम दुःखम भव भव गतो दुर्निवारः करोति। तस्याप्यस्य त्वयि जिन रवे भक्तिरुन मुक्तये चेत् जेतुं शक्यो भवति न तया को परस्ताप हेतु। कभी भी किसी श्लोक को पढ़े, चार पंक्तियां होती हैं, पहली दूसरी धीरे पढ़ें, तीसरी वाली को आप हाइक दें, चौथी वाली को थोड़ा धीरे करें। हम पढ़ रहे हैं, पूरा ध्यान से सुनिएगा और फिर उच्चारण आप एक साथ करना देख करके। एक ही भावम गतिव मया या स्वयं कर्म बंधो घोरम दुःखम भव भव गतो दुर्निवारः करोति तस्याप्यस्य त्वयि जिन रवे भक्तिरुन्मुक्तये चेत् जेतुं शक्यो भवति न तया को परस्ताप हेतु। पढ़िए एक साथ। बहुत सुंदर छंद है, जितनी आप अंतरंग की मधुरता से पढ़ोगे आपको गंभीरता की प्राप्ति होगी। जीवन में गंभीर गुण भी होना, कर्मों की निर्जरा भी होना, समता भी होना, धैर्य भी होना, मधुरता, सभी गुण आवश्यक है। अब आज आपका समय हो रहा है।
अपन इसका अर्थ कल से करेंगे। आज स्तोत्र की महिमा को सुन करके स्तोत्र पढ़ना, कभी भी भगवान से हमें फल नहीं प्राप्त करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करना चाहिए हमें। तो कभी भी कुछ भी कोई भी कार्य करें उसका एक ही लक्ष्य लेके चलना, कर्म क्षयार्थम, सकल कर्म क्षयार्थम। पूजा करते तो अभिषेक करते तो बोलते हैं अथ पौराणिक देवन्ना क्रियायाम पूर्वाचारण क्रमेण सकल कर्म क्षयार्थम। प्रतिक्रमण करते तो सकल कर्म क्षयार्थम, सामायिक करते तो अब देव वंदना क्रियायाम सकल कर्म क्षयार्थम, योग प्रतिष्ठापन स्थापन करते हैं, स्वाध्याय प्रतिष्ठापन करते हैं तो स्वाध्याय प्रतिष्ठापन क्रियायाम पूर्वाचारण क्रमेण सकल कर्म, आचार वंदना करते तो सकल कर्म। हम सकल कर्मों के क्षय के लिए कर रहे हैं, बाकी काम तो हो गई होगा। जब हमको खेती करने के बाद गेहूं मिल रहे हैं, हम भूसे की इच्छा क्यों करें? वो भूसा कचरा तो मिलेगा ही मिलेगा। आया समझ में? इस प्रकार से समझिएगा, या ये मंदा क्रांता छंद है। जिन वाणी की विनय पूर्वक अध्ययन करेंगे ज्ञान का फल मिलेगा, उपधान पूर्वक अध्ययन करना चाहिए। जो प्रतिदिन कक्षा में आए या जिनको स्तोत्र पूरा करना हो उनके लिए किसी न किसी एक वस्तु का त्याग कर देना चाहिए जब तक हम इस विषय को अध्ययन कर रहे हैं। तो उपधान पूर्वक अध्ययन करने से ज्ञान की विनय होती है, और ज्ञान की विनय करने से निर्जरा भी होती है और शुभ का आश्रय भी होता है। ठीक है, तो आप लोगों को जो भी त्याग करना हो एक वस्तु का त्याग करके इसका अध्ययन करें ताकि इसके फल की भी प्राप्ति हो। कल अपन इसके अर्थ को देखेंगे और आगे इसका विषय अपन समझेंगे। भगवान महावीर स्वामी की याद करेंगे आप लोग।